तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ Redmi Note 10s डिवाइस के काफी कमाल की सेटिंग्स और काफी कमाल के फीचर्स के बारे में, जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप Redmi Note 10s डिवाइस यूज करते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको आ जाना अपने फोन के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके जाना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला फीचर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जो ऑप्शन है इसे आपको ऑन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर शो करेगा। यहाँ से आप कोई सा भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी अपने फ़ोन पर यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर पसंद आता है। तो ये फीचर काफ़ी कमाल का है, अगर आप ये फीचर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसे यूज कीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। उसके बाद है यहाँ पर नोटिफिकेशन इफेक्ट, ये भी काफ़ी कमाल का फीचर है। जैसे कि इस पर आपको टैप करना है, टैप करने के बाद देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का आपके फ़ोन में जो लाइटिंग होगी जब आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से आप लाइट को चेंज भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह का लाइट आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको टाइम डेट डे और यहाँ पर आपको बैटरी कितना परसेंट है वो भी दिखाई देगा। तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन लाइट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल कमाल के यहाँ पर नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके फ़ोन में लग जाएगी, और आपके फ़ोन में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरह की लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर स्लीप पर आपको क्लिक करना है। अपने फ़ोन को आप कितने देर में स्लीप करना चाहते हैं या फिर आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक लॉक कितने देर में लग जाए, तो मैंने यहाँ पर 1 मिनट किया हुआ है। अगर आप बैटरी ज़्यादा सेव करना चाहते हैं तो आप 30 सेकंड 15 सेकंड भी कर सकते हैं, इतने टाइम में आपका फ़ोन अपने आप ही लॉक हो जाएगा। अगर आप रेस्ट टू वेक ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि आपकी स्क्रीन पर शो करने लगेगा कि आपके फ़ोन में इस नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद है डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। डबल टैप टू टर्न द स्क्रीन ऑफ व्हेन आइदर डिफॉल्ट और क्लासिक थीम इज अप्लाइड, यानी कि आप अपने फ़ोन में जब डिफॉल्ट या फिर क्लासिक थीम को अप्लाई किए रहेंगे तब ये फीचर वर्क करेगा, और जब आप इस फीचर को ऑन कर देंगे तो जैसे ही आप अपने फ़ोन पर डबल टैप करेंगे आपका स्क्रीन वेकअप हो जाएगा, यानी आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ग्लांस फॉर MI, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो आपके लॉक स्क्रीन पर ढेर सारे आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, दिस सेटिंग डज नॉट वर्क विद थर्ड पार्टी थीम्स, यानी अगर आप अपने फ़ोन में थर्ड पार्टी थीम्स को अप्लाई किए रहेंगे तो ये फीचर आपके फ़ोन में वर्क नहीं करेगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप किसी भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ साइड में आपको देखने को मिल जाएगा टाइम डे और डेट, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको पसंद आता हो वो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर द डिवाइस इज अनलॉक्ड, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाएंगे आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, और अगर आप चार्जिंग एनिमेशन नहीं लगाना चाहते तो इस ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद है लॉन्च कैमरा, डबल प्रेस द वॉल्यूम डाउन बटन टू ओपन कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड, यानी कि अगर आपका फ़ोन लॉक्ड है यानी लॉक कंडीशन में है और अगर आप वॉल्यूम के डाउन बटन को 2 बार प्रेस कर देते हैं तो आपका जो कैमरा ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, और अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। तो ये थे Redmi Note 10s के कुछ कमाल की सेटिंग, कमाल के फीचर जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, और आगे आने वाली वीडियो में आपको और भी ढेर सारे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।